हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आप लोग आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज जो अपना टॉपिक है वो देखिए, किस एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में किसी केस को ट्रांसफ़र करने के लिए जो बात आती है, कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्लॉज है, मतलब क्या तरीका है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए, जो मैटर ट्रांसफ़र होते हैं उन सब के बारे में सीआरपीसी में आपके प्रावधान हैं, उन सब उस पर ध्यान रखते हुए ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र किया जाता है, और एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में किया जाता है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। सारे प्रावधान हैं जो सीआरपीसी 406 अंडर सीआरपीसी 406 सेक्शन 406 से लेकर और 412 तक, इसमें पूरे ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड नियम और रेगुलेशन बताए गए हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा इसको ब्लैक बोर्ड पर, मतलब बोर्ड पे आपको लिखने के माध्यम से समझाएं ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो अभी हम ब्लैक बोर्ड की तरफ चल रहे हैं। ओके, तो फाइनली हम ब्लैक बोर्ड पर आ गए हैं, तो आप लोगों को समझाना चाहूँगा। देखिए, जो ये सीआरपीसी 406 से लेकर 412 तक है, यह आपका केस ट्रांसफ़र करवाने से लेकर होता है कि हर उसमें अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग केस ट्रांसफ़र करने के प्रावधान होते हैं। ख़ास तौर पर मैं एनआई एक्ट की बात कर रहा हूँ, एनआई एक्ट 1881 के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें अंडर सेक्शन 138, जिसमें चेक बाउंस होता है और चेक बाउंस से रिलेटेड मामले होते हैं। ठीक है, और इसमें एनआई एक्ट में उसके का एक हिस्सा है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन आता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट होता है। तो इसमें बताया जाता है 442(1). तो इस मामले में क्या होता है, जो सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, ये मामला होता क्या है, नागपुर में केस चल रहा होता है और उसको दिल्ली के द्वारका कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की बात होती है। अब चूंकि सबसे पहले तो ये जान लें कि जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सीआरपीसी की धारा 406 से लेकर 412 तक, जिसमें केस को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, उसमें रूल, उसके रेगुलेशन, सारी चीज़ें उसमें बताए गए हैं, और किस केस से किस कहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना है उसके लिए उसके अलग अलग प्रावधान हैं। अब चूंकि एक ही स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करवाना था, तो ये कहाँ पर केस फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस को फाइल किया गया कि जो कर्नाटका जो नागपुर में केस चल रहा है, ठीक है, उसको दिल्ली में द्वारका कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो चूंकि जो विपक्ष गण थे उन्होंने क्या कहा इसमें कि देखिए, जो विपक्ष गण थे उन्होंने कहा था कि देखिए, जो क्या नाम है, एनआई एक्ट की धारा क्या कहते हैं, 142(2) है, या एनआई एक्ट की धारा 142(1) है। ठीक है, ये गैर अस्थिर क्लॉज है, इसके बावजूद मतलब होने के कारण से इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। बट सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि देखा, दशरथ रूप सिंह राठौर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2014 का है मामला, जिस पर भरोसा करते हुए उसके विपरीत जजमेंट सुनाया गया। और सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, मतलब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना मोहर लगा दिया है केस को ट्रांसफ़र को लेकर, और ये केस ट्रांसफ़र करने की अनुमति दे दी गई है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि देखो, जो सिचुएशन होता है, जैसे इसमें बहुत से, इसमें यह माना जाता है कि देखिए, जब जो केस ट्रांसफ़र होता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं या केस जो ट्रायल होता है, तो एक मोटा मोटा आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जब केस ट्रायल शुरू होता है तो उसमें होता क्या है कि जैसे वहीं पे होता है ना, जैसे जहाँ पे क्राइम घटित होता है, वहाँ पे जहाँ घटनाएं घटित होती हैं, ट्रायल वहीं पे होता है, केस वहीं पे चलता है। बट कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं जिसकी वजह से वो कहीं मतलब उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान भी है। आप अगर ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, तो आप इसमें क्या कहते हैं, सीआरपीसी 406 से लेकर 412 को आप देख सकते हैं, उसके रूल देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये जो याचिका डाली गई थी योगेश उपाध्याय बनाम अटलांटा लिमिटेड कंपनी करके है, 2023 का ही जजमेंट है, लेटेस्ट जजमेंट है, इसी महीने का जजमेंट है। तो
आशा करता हूँ जो आप लोगों का केस को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड जो कोई भी सवाल था वो आपका क्लियर हो गया होगा। और बस आज इतना ही, मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। बोलने से पहले एक बात और कहूँगा, देखिए अभी जल्द में कई लोगों ने मुझे मेल किया था और फोन कॉल भी किया था AI एग्ज़ाम AI V17 जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिजल्ट के बारे में। तो आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना खींचते हुए मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा, देखिए जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 17 का जो रिजल्ट आने वाला है वो अभी टाइम लगेगा, जब भी आएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर डालूंगा तो आप नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, आप उस वीडियो को देख कर उससे बहुत सारा फ़ायदा आप सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और मैं आपको एक बार और रिपीट करना चाहूँगा, इस चैनल पे आपको बहुत से ऐसे लीगल कंटेंट मिलेंगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजबल होंगे, चाहे आप कॉमन मैन हो, लॉ स्टूडेंट हैं, या आप एडवोकेट हैं, या इंटर्नशिप जो भी है स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। क्योंकि और देखिए दूसरी बात, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नॉर्मल भाषा का यूज़ करूँ, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत बेसिक भाषा यूज़ करता हूँ, ताकि हर किसी के समझ में आए, जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी और जो अनप्रोफेशनल हैं उनको भी समझ में आए और उसका फ़ायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। जय हिंद।